हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो कल फ्रेंडशिप डे था। आप सभी को फ्रेंडशिप डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की दोस्ती बरकरार रहे और आने वाले समय में आपको अच्छे अच्छे दोस्त जो हैं मिले, जो आपके फ्यूचर में आपकी बहुत सहायता करें। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 123 तक, और उम्मीद है मुझे कि सभी लोगों को क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं दूंगा, और जितना भी मुझसे बनेगा मैं आपके लिए हेल्प करूँगा। ठीक है, 123 तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, और आज हम 124 से स्टार्ट करेंगे, और लगभग हम 13 से 15 के बीच क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। स्पीड थोड़ी मैं तेज़ रखने वाला हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इजी लेवल के हैं। और अब जैसे जैसे जो क्वेश्चन रिपीटेड होते चलेंगे, यानी कि जिन्हें मैं पहले करा चुका हूँ, तो मैं उनको आपके ऊपर जो है छोड़ता रहूँगा। ठीक है, क्योंकि आप सीख तो गए ही हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपने आज की क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 124। देखिए आप लोग अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 124 में क्या कहा गया है। किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य हो गए, ठीक है, तथा योग्य अभ्यर्थी के 85% सामान्य वर्ग के थे। ठीक है, जो योग्य थे उनके 85% सामान्य वर्ग के थे। ठीक है, यदि 42-75 योग्य परीक्षार्थियां जो हैं अन्य वर्गों से संबंध रखते हैं, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। देखिए, 5% जो विद्यार्थी हैं आपके अयोग्य सिद्ध हो गए। देखिए, अब देखिए जरा मैं कैसे करता हूँ इसको। हमने मान लिया कि 100% विद्यार्थी हैं जितने भी होंगे, इसमें से 5% जब अयोग्य हो जाएंगे, तो जो 95% बचेंगे ये योग्य होंगे। ठीक है, 95% योग्य हो गए 5% अयोग्य होने के बाद। आगे कहा है उसने कि योग्य अभ्यर्थियों के 85% सामान्य वर्ग के थे। ठीक, यदि 42-75 योग्य परीक्षार्थी अन्य वर्गों से संबंध रखते हैं। अब देखिए, इस 95 का 85% जो है सामान्य वर्ग से थे। ठीक, तो इसका मतलब इस 95 का जब 85% सामान्य वर्ग से हैं, तो इसका मतलब 15% जो है वो अदर जो बच चुके अदर वर्ग से होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 95 का, ठीक, 15% बराबर 42-75 के होगा आपका। ठीक है, 95% का, 95% का। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है। उसने पूछा है कि परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थियों ने जो है आवेदन किया था, तो हमें टोटल नंबर निकालने हैं। तो देखिए, ये टोटल का 95%, टोटल का 95% क्या थे हमारे योग्य, और उन योग्य का भी 15% जो है हमारे पास अन्य वर्ग से संबंधित थे। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट आएंगे, ये संख्या आएगी हमारे पास 30,000। ठीक है, तो इस तरह से हम इजीली इसे कर सकते हैं। ठीक, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, इजी कैलकुलेशन है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 126। देखिए 126 क्यों, क्योंकि 125 का क्वेश्चन आसान है, आप इसको कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको ये क्वेश्चन करा दूंगा। देख क्वेश्चन नंबर 126, 126 ध्यान से रीड कीजिएगा, पढ़िए मेरे साथ साथ क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर 10 रुपये में 5 केले और मिल जाते हैं, तो केले का मूल्य क्या था। मतलब क्या था मतलब प्रारंभ में क्या था केले का मूल्य। ठीक है, तो हमें प्रारंभिक मूल्य जो है अपना निकालना है। ठीक, अब देखिए, 10 रुपये में 5 केले और मिल जाते हैं, इस बात का मतलब क्या है। यानी कि केले पहले भी वो 10 रुपये खरीद रहा था और आज भी वो 10 के खरीद रहा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना आया हुआ है कि 20% अब मूल्य घट चुका। देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, मूल्य किसी वस्तु को घटेगा तो हम जितने में पहले खरीदते थे, अब उतने में ही हम पहले से ज़्यादा वस्तु वो लेकर आ सकते हैं। ठीक, तो 10 रुपये में हम खरीदते थे कुछ केले पहले, ठीक है, अभी भी 10 के खरीद रहे हैं, लेकिन इसमें 20% की कमी आ गई। तो जब हम इसका 20% निकालेंगे, 20% आएगा 2, यानी कि 2 रुपये जो है दाम घट गया। ठीक,
तो इसी वजह से वो 5 केले और खरीद रहा है। तो इसका मतलब 2 रुपये के हैं हमारे ये 5 केले, ठीक है। एक केला, या ऐसे लिख सकते हैं आप इसको कि 5 बनाना हमारे पास हैं 200 पैसे के, क्योंकि आंसर पैसे में आया हुआ है आपका, ठीक। देखिए, एक बनाना कितने का आएगा, 40 पैसे का, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, 5 से काटेंगे इसको, 5 से 4 बार कटेगा, तो एक बनाना हमारे पास कितना आएगा, 40 पैसे का, ठीक है। तो उसने कहा है प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात देखिए, मूल्य कितना घटा है, 20%। तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि ये मूल्य घटने के बाद का है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जिसका कि 20% घटाने पर आपको 40 पैसे रेट आ जाए। देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड दिख रहा है इजीली, 50 का 20% होगा 10, और 10 अगर 50 से घटाएं तो 40 पैसे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना ही इसको आप कीजिए, ठीक, इतने में आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको पूरा करना चाहते हैं तो देख लीजिए फटाफट क्या क्या होगा इसका पूरा प्रोसेस। ये जो वैल्यू है हमारे पास 40 पैसे, ये 20% घटने के बाद है, इसका मतलब ये हमारी लागत का 80% है, 40 पैसे, ठीक है। एक बराबर 40/80, पूरी वैल्यू निकलेगी हमारी 100 पर। सोल्व कर लेंगे, 8 × 5 = 40, और 5 × 2 कितना जाएगा, 50, 50 पैसे आपका क्या जाएगा, आंसर, ठीक। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। बढ़ते आगे आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 127, ठीक है, क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए मेरे साथ साथ जरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये भी। देखिए 127, एक उपकरण का प्रति वर्ष अवमूल्यन दर 20% है, यानी कि हर वर्ष जो है उसका दाम 20% घटता है, आप ऐसे समझिए। अब से 3 वर्ष बाद इस उपकरण का मूल्य इसके वर्तमान मूल्य का कितने प्रतिशत होगा। देखिए दो तरीके हैं इसको करने के, आप इसको इजीली फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और उसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, मान लीजिए उसका मूल्य 100 रुपये था, जो भी हमारे पास वस्तु थी, ठीक। अब हर बार इसका मूल्य घट रहा है 20%, और वो लगातार कितने वर्षों तक घटा, 3 वर्षों तक। तो 100 था, 20 घटा, इसका मतलब 80 बचा, ठीक है। फिर 80 बचा, और अगले वर्ष भी कितना बचा, 80 बचा, 3 सालों तक ये प्रोसेस चला, ठीक है। अब इसको जो है हम सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद जो है हमारा ये आ जाएगा 51.2%, ठीक है। इस तरह से आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, ठीक है। अगर कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइएगा आप कमेंट करके, मैं कैलकुलेशन के ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो, या कभी मुझे टाइम मिलने पर मैं कैलकुलेशन के ऊपर एक वीडियो लाऊंगा, जिससे कि आपको कैलकुलेशन समझने में बहुत आसानी रहेगी और आप इजीली कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128, देखिए क्वेश्चन नंबर 128 भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है, और आंसर भी उसका सेम ही है। तो डू योर सेल्फ, इसको खुद करना है आपको, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको बहुत छोटे तरीके से कराऊंगा आपको। देखिए 129, 1 किलो चाय पत्ती और 1 किलो शक्कर का कुल दाम 95 रुपये है, ठीक है। 1 किलो चाय पत्ती, क्वेश्चन नंबर 129, 1 किलो चाय पत्ती यानी कि 1 टी 1 kg टी प्लस 1 kg शुगर का मूल्य है 90 रुपीज़, ठीक। आगे क्या कहा गया क्वेश्चन में, आगे कहा है कि यदि चाय की कीमत प्रति किलो 10% की कमी हो जाए। तो देखिए ये चाय की, 1 किलो चाय की मान ली कीमत टी है, ये 1 किलो चाय की कीमत क्या है, टी। तो टोटल 1 किलो का दाम प्लस 1 किलो चीनी का मूल्य, ये टोटल 90 रुपये। अब इस दाम में 10% की कमी आ गई, कितनी, 10% की कमी। जब 10% की कमी आएगी, इसका मतलब 100 से 90 हो गया, ठीक है। 100 से कितना हो गया, 90, और टी। नेक्स्ट में कहा है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, तो चीनी का मूल्य 100 से कितना होगा, 120, ठीक। इस प्रकार जो मूल्य है आपका टोटल मिला के वो जाता है हमारा 90, ये 95 था, ठीक है, गलती से 90 लिखा गया, ठीक। अभी हमारे पास थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं, 20 से 6 बार और 20 से ये 5 बार और ये 9/10। अब देखिए हमारे पास एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, दो इक्वेशन हमारे पास हैं, ठीक है। दूसरी इक्वेशन को थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, 9/10 × t प्लस 6/5 × s = 90, सेकेंड इक्वेशन, थोड़ा सा इसको हमने अलग लिख लिया,
ठीक है, अभी आपको दोनों इक्वेशन खुद सॉल्व करनी है, ठीक। उम्मीद है आप दोनों क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेंगे। अगर आपसे सॉल्व नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं, सीधा वीडियो देखते हैं और काम बना और निकल लेते हैं। कोई बात नहीं, मर्जी है आपकी, लेकिन कमेंट आप ज़रूर कीजिए। ठीक, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ए व बी का कुल वेतन 2000 रुपये है। ठीक, ए व बी का वेतन कुल 2000 रुपये है। ए 95% खर्च करता है तथा बी 85% खर्च करता है। ठीक है, दोनों की बचत समान हो तो ए व बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन देखते हैं अपना नेक्स्ट 130 130। क्वेश्चन में कहा गया है 130 में क्या कहा गया है कि ए ने 95% खर्च किया तो अपनी आय का बचाया कितना 5%, बी ने 85% खर्च किया तो बचाया कितना 15%। ये कहा गया है कि दोनों की बचत समान है तो इसलिए इक्वल का साइन। ठीक, जब हम ए और बी को सोल्व करेंगे तो हमारे पास 15/5 कितना आएगा 5 या 3:1। ठीक, यही इनकी टोटल क्या होगी, इनकम का रेशो आ जाएगा टोटल। ठीक है, क्या होगा इनकी टोटल इनकम का रेशो कितना है 4, और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 2000, एक बराबर कितना 5, उसने पूछा है ए का, तो ए का अनुपात कितना है 3 3 = 1500 रुपये। इसका मतलब ए 1500 रुपये लेगा या कमाएगा या उसका हिस्सा 1500 रुपये होगा। ठीक है, आप इसी तरह से बी का निकाल सकते हैं, बी का कितना है एक ही है, 1 = 500, तो ए का हिस्सा सॉरी बी का हिस्सा कितना होगा 500 रुपये। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 131। ठीक है, देखिए अगर आप वीडियोस हमारे लगातार देख रहे हैं तो आपको समझ आ चुका होगा कि आपको भविष्य में मैथ कितना इजी जो है लगने लगेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ अपनी ओर से मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से अच्छे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, जिससे आपको बोरियत महसूस ना हो और आपको इंटरेस्टिंग भी लगे। ठीक, और अगर आप वीडियो पर नए हैं, ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको टाइम पे वीडियो डलते ही जैसे ही मैं अपलोड करूं और आपको एकदम नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और अगर आप जो है लाइक करेंगे तो उससे मेरा जो है मोटिवेशन बढ़ेगा, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, मुझे नई ऊर्जा मिलेगी और मैं बहुत ही सकारात्मक रूप से आप लोगों के साथ बना रहूँगा। ठीक है, तो अगर और एक काम और कीजिए साथ साथ, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, ऐसे दोस्तों को जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं या मतलब उनको मैथ भारी लग रहा है, मज़ा नहीं आता उन्हें पढ़ने में, और कोचिंग सेंटर उनके आसपास अच्छे नहीं हैं या हैं भी तो उन्हें पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, वहाँ पर सीख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, या जिसके साथ कोई भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो, आप ऐसे बच्चों को ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, सबके हित के लिए काम कीजिए, इसमें आपका भी हित होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ और ये आपको खुद करना है। ठीक है, देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 132। 132 में क्या कहा गया है, एक परीक्षा में 3 पेपर हैं और उत्तीर्ण होने के लिए उसको कुल 35% अंक चाहिए, टोटल नंबर का 35%। पहले पेपर में 150 में से 62 अंक, दूसरे पेपर में 150 में से 35 अंक, और उत्तीर्ण होने के लिए उसे तीसरे पेपर में से कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अब देखिए तीनों पेपर के टोटल मार्क्स उसने दे दिए और टोटल 35% उसको लाना है, तो पहले सब्जेक्ट में भी 150 हैं, दूसरे सब्जेक्ट में भी 150 हैं और तीसरे में है उसके 180। इनका सम कर लेंगे 300 और 480, इसका 35% ही तो लाना है टोटल। ठीक, 35% का मतलब 35/100, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 5 से 7 बार और 5 से 2 बार और ये 2 से 24 बार। ठीक है, 24 7 कितना आएगा आपका 168। ठीक, यानी कि टोटल नंबर आपको कितने लेके आने हैं 168। अब आप देखिए उसने पहले 150 में से 62 अंक जो हैं प्राप्त किए, दूसरे 150 में से उसने कितने अंक प्राप्त किए यहाँ पे 35। ठीक, अब इस तरह से उसने कितने अंक प्राप्त कर लिए 97। अब कितने और प्राप्त करने उसे 168 लाने के लिए, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस होगा। ठीक, यानी कि 180 में से उसे कितने अंक लाए वो कि उसके टोटल 168 नंबर जो हैं हो जाएं, तो 71 नंबर इसका दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो 71 नंबर उसको जो है गेन करने होंगे 180 में से, जिससे कि वो टोटल 168 नंबर प्राप्त कर ले। इस तरह से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन
ठीक है, आप क्वेश्चंस को देखिए, एएलपी का एग्जाम तो बहुत नज़दीक है, ठीक, आप एएलपी पे पूरा फोकस रखिए, ठीक है। लेकिन जब आप अपनी एएलपी की पढ़ाई जो है, मतलब आप जैसे वन डे में आप पढ़ते हैं, आज मान लिया आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने कंप्लीट कर लिया, आज पढ़ते पढ़ते आप बोर हो गए, ठीक, तो आप वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है। वीडियो देखने से आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, और ग्रुप डी और आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। और आने वाली जितनी वैकेंसीज हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की वैकेंसी हो, एसएससी, ठीक है, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर रेलवे का हो, या फिर लेखपाल का हो, यूपी पुलिस का हो, इस तरह से जितने भी सामान्य आपके कॉम्पिटिशन हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 133। 133 में क्या कहा गया है कि सत्या ने 74-34 रुपये, जो उसकी मासिक आय का 18% है, ठीक है। तो 133 18% है ये उसकी मासिक आय का, 74-34, ठीक है। क्या बोला उसने आगे, म्यूचुअल फंड में निवेश किए, उसकी वार्षिक आय, देखिए ये है मंथली, यानी कि वन मंथ का बायोडाटा उसने दिया है, यहाँ पे हमें निकालना है पूरा वार्षिक, यानी कि हमें पूरे 12 महीनों का निकालना है, ठीक। तो पहले हम उसकी एक मंथ की पूरी आय देखते हैं, क्योंकि ये केवल 18% है, पूरी आय नहीं है, पूरी आय निकलेगी हमारी 100 पर। तो देखिए इसको 18 से जो है कैंसिल करेंगे, 1 = 18 × 72 आएगा, 2 इधर जाएंगे, 18 से 1 बार कटेगा ये हमारा, ठीक है। हमारा फिर कितना बचेगा, यहाँ पे कितना हो चुका था हमारा, 5 बचेगा, 18 × 54, और 100 बराबर, इसलिए 100% पे पूरी हमारी उसकी महीने की आय निकल गई। लेकिन हमें निकालनी है साल की, तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 495600, ये उसकी सालाना इनकम होगी, ठीक। इस तरह से आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134, ठीक है, बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको करा रहा हूँ। चाहे तो आप इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है अपने बुक से मैच करके देख सकते हैं, आपको डिफरेंस जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, श्रुति अपने वेतन का 12% अनाथालय में दान करने का निर्णय लेती है। सपोज वो 100% कमाती है, 100% का 12% उसे दान करना है, यानी कि 12 दान कर देगी 100% का, ठीक। आगे बोला है, किंतु दान देने वाले दिन वह अपना निर्णय बदलकर 3150 रुपये दान करती है, ठीक है। अब उसके दिमाग में कुछ आएगा, चलो भाई आज ज़्यादा दान करते हैं या कम दान करते हैं, तो ऐसा उसके माइंड में आ गया, तो उसने 3150 रुपये दान कर दिए, जो उसके द्वारा पूर्व में निश्चित की गई राशि का 75%। देखिए पूर्व में उसने कितनी निश्चित की थी, 12%, लेकिन अब पूर्व की जो राशि उसने निश्चित की थी उसका 75% उसने जो है दान किया, और वो 75% ही क्या है हमारा, 3150 रुपये, ठीक है। चलिए देखें, ये टोटल जो है हमारा है, मान लिया टोटल, टोटल का उसे 12% पहले दान करने की उसने सोची, लेकिन उसका प्लान बदल गया, तो जो 12% उसने दान करना था अब वो ये नहीं कर रही, लेकिन इसका भी, क्योंकि उसने कहा है पूर्व में निर्धारित, पूर्व में निर्धारित, यानी कि इसका भी 75% उसने जो है दान किया, और वह दान करने वाली वैल्यू कितनी थी, 3150, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, सिंपली 35,000 रुपये, ठीक है, हमारा 35,000 रुपये जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसको इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड कीजिए, 135, ठीक, 135 क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जल्दी भी कराऊँ, लेकिन फिर भी समझाने की वजह से कहीं ना कहीं जो है वीडियो 30 मिनट तक पहुँच ही जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि आम के दाम में 20% वृद्धि होने के बाद एक आदमी 40 रुपये में 4 आम कम खरीदता है। देखिए वृद्धि होगी तो आप नॉर्मल सी बात है चीज़ों को कम खरीदेंगे, ठीक है, तो 40 रुपये में 4 आम कम खरीदता है, इसका मतलब पहले भी 40 के ही खरीद रहा था वो, जब 20% की वृद्धि हुई तो 4 आम कम खरीद रहा है। अब देखिए 40 का 20% कितना आएगा, 8, यानी कि 8 रुपये की वृद्धि हो गई आम में, आम हो गए दाम में, 4 आम कम खरीदता है वो, तो जो ये 8 रुपये मूल्य है ये कितने आमों का है, 4 आमों का, तो एक आम का मूल्य 2 रुपये। अब उसने पूछा क्या है हमसे कि कीमत में वृद्धि से पहले 15 आमों का दाम क्या था। अब आप देखिए एक आम का मूल्य 2 रुपये, ये कीमत में वृद्धि के बाद है, यानी कि जो ये 2 रुपये है एक आम का मूल्य है वो 20% बढ़ने के बाद है, 20% बढ़ा, इसका मतलब ये हमारी लागत का 20%
नहीं होगा, मतलब 120 होगा, ठीक। कभी आप सीधा 20 रख दें। पिछले भी क्वेश्चन गए हैं, अगर 20% घटता तो ये हमारी लागत का 80% होता, अगर 40% मूल्य में कमी होती तो ये हमारी लागत का 60% होता। 100 से ही काउंट करेंगे, 100 में ही प्लस करेंगे और 100 में ही माइनस। तो 20% वृद्धि हो रही है तो ये हमारी लागत का 120%, ठीक। हम इसका पहला मूल्य निकालेंगे, पहला मूल्य हमारा 100 पर निकलेगा, 1/2 / 120। तो 100 बराबर आप इसको ऐसे लिखेंगे, सोल्व करेंगे, 2 से 6 बार कटेगा, ठीक है। तो इसका मतलब 10/6, या इसको 5/3 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये एक आम का मूल्य हमारे पास अब आया, एक आम का मूल्य जो शुरुआत में था वृद्धि से पहले। अब उसने क्या कहा, वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य, तो 15 आम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 आम बराबर 5/3 × 15, 3 से 5 बार जाएगा और 5 × 25, तो इस तरह से आपका ₹25 जो है मूल्य आ जाएगा, ठीक। इजीली इसको आप कर सकते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 137, ठीक। 137 में क्या कहा गया है, पढ़िए मेरे साथ साथ। एक पंखा ₹150 में सूचीबद्ध किया गया, ऐसे मान सकते हैं ₹150 में बेचने के लिए फिक्स किया गया, या एमपी उसका ₹150, जिस पर 20% छूट शामिल है। अब इस पर 20% छूट भी देना है उसे, ग्राहक को वह शुद्ध कीमत ₹108 पर मिले, ठीक है। तो ₹108 में से बेचना है, ठीक। इस कीमत पर लाने के लिए अतिरिक्त छूट कितनी देनी होगी, देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 137, भाई 150 उसने इसको फिक्स किया, इस पर अब उसे बेचना है ये 108 का, ठीक है। जबकि एक छूट उसने दे रखी है 20%, इसका 20% निकालिए आप, सिंपल। इसका 10% कितना होगा, 15। अब 15 10% वैल्यू है, तो 15 का डबल करेंगे तो 20% निकल जाएगा, इसका मतलब 15 × 30, तो 150 पे ₹30 छोड़ दिया तो कितना आएगा, 120, ठीक है, 120 आया। अब 120 में से कितना घटाएं कि ₹108 बचे, सिंपल 12 घटाएंगे, और 12 आपको दिख रहा है 120 का 10%, तो 120 का 10% कितना जाएगा, 12 घटाने के बाद 108, इसका मतलब ये 12 जो है 10% की छूट है, इसका मतलब दूसरी छूट कितनी जाएगी आपकी, 10% की। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन करने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा। देखिए बच्चे कम देख पा रहे हैं क्योंकि मैं समझता हूँ ALP के एग्जाम का प्रेशर है, तो कहीं ना कहीं वीडियो पे जो है इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन आप इग्नोर मत कीजिए, टाइम निकाल कर आप वीडियो जरूर देखिए, हो सकता है कि इसी एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं मेरे द्वारा कराया गया क्वेश्चन जरूर मिले और आपको टाइम पर याद आ जाए, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, संतरे कीमत 20% कम हो जाने से एक आदमी ₹120 में 20 संतरे ज़्यादा खरीदता है, ठीक है, प्रति संतरे की मूल कीमत क्या। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, ये आपको खुद करना है, ठीक। चलिए मैं इसको करा देता हूँ फिर भी आपको, देखते हैं क्या कहा गया है। संतरे की कीमत 20% कम हो गई, ₹120 में 20 संतरे ज़्यादा खरीदता। देखिए ₹120 मूल्य था उसका, कितना 120, 20% जो है कम हो गई, तो इसका 10% 12, ठीक, इसका 10% 12, 12 का डबल 24, इसका मतलब ₹24 जो है घट गए। अब ₹24 में वो 20 संतरे क्या खरीद रहा है, ज़्यादा, यानी कि 20 जो संतरे हैं वो कितने रुपए के हैं, ₹24 के। एक संतरा कितने का जाएगा, 24/20 का, सोल्व कर लेंगे इसको हम, 20 कितना जाएगा, 20 से एक बार कटेगा, 20 × 20 और 20 × 2 = 40, 1.2। अब उसने क्या कहा है, इसकी मूल कीमत, मूल कीमत मतलब प्रारंभिक। अब देखिए 20% रेट घटा था, इसका मतलब ये हमारी लागत का 80% है, 1.2, 1% बराबर कितना जाएगा, 1.2/80, तो 100% पर हमारी पहली कीमत होगी, 100% पर सोल्व करेंगे इसको, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, और 12 को जब हम 8 से भाग देंगे तो 8 × 8 और 8×5 = 40, इस तरह से आपका सोल्व हो जाएगा। तो पहले जो है कीमत कितनी थी, ₹1.5 एक संतरे की, ठीक है। तो इजीली आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में भी 24-25 मिनट का वीडियो आपका हो गया है, ठीक है। अगेन मैं कहता हूँ आपसे, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब भी आप तभी कीजिए जब आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, ठीक है। आप हमारे पिछले वीडियोज़ भी देख सकते हैं, ये आज हमारा 13वां या 14वां पार्ट था हमारा परसेंटेज में, ठीक। जो रिपीटेड क्वेश्चन है आगे मैं उनको आपको ऊपर छोड़ता चलूँगा, तो जल्दी आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, और जैसे ही आपका ALP का एग्ज़ाम खत्म होगा उसके बाद मैं डेली एक वीडियो आपको निश्चित दूंगा, ठीक है।
आपका कोर्स बहुत तेजी से होगा, और मैं आपके आने वाले एग्जाम जितने भी हैं उन तक आपको ये पूरी बुक करा दूंगा, ठीक है। और आप साथ में जीके जनरल साइंस का वीडियो में डाल रहा हूँ, वो भी देखते रहिए। व्यूवर्स बहुत कम आते हैं, कोई बात नहीं, व्यूवर्स कम आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेकार पढ़ा रहे हैं या अच्छा जो है मैटर आपको नहीं दे रहे हैं, लेकिन हर चीज़ हम आपको अच्छी दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ज़रूर आप ज़रूर लाइक करेंगे, ठीक है। देखिए बहुत चैनल हैं यूट्यूब पर, बड़े बड़े चैनल हैं, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आप एक बार उनको देखने के बाद इस चैनल को देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं डिफरेंस ज़रूर फील होगा। और सभी चैनल कुछ भी पूरा कंप्लीट नहीं कराते, आज एक क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक बता दी, कल एक क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक, लेकिन भाई चैप्टर कौन कराएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर कौन कराएगा, ठीक। तो मैं हूँ जो आपको सब कुछ कराऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा मेरा लेक्चर भी। चलिए ठीक है, आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।